विनोद जी आपसे शुरुआत करते हैं, आपको कोई उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा? 3 महीने के बाद मीटिंग एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी या फिर कुछ होगा, इसमें कुछ सब्सटेंटिव निकलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमें भी है और आपको भी होगी, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और खाली एक चुनाव कोई पार्टी हार जाए और उसके बाद आप एकदम, अभी कर्नाटक चुनाव और तेलंगाना वो हिमाचल चुनाव के बाद सब कांग्रेस कांग्रेस कर रहे थे और लोग बीजेपी का मरसिया पड़ रहे थे कि बीजेपी तो खत्म है, बीजेपी तो। अब 3 राज्य बीजेपी जीत गई तो हम एकदम से उम्मीद छोड़ बैठे कि 24 में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये सही है कि इन राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों के चुनाव की जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हैट्रिक जो है 2024 की हैट्रिक का आगाज है, तो उनका बढ़ गई था। इसलिए मैं कहता हूँ हर चुनाव का असर पड़ता है। जब लोग कहते थे विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा में नहीं पड़ता, तो मैं कहता था बिल्कुल पड़ता है, वो नतीजों पर न पड़े लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स पे पड़ता है। तो अब जब कांग्रेस अगर जीतती है चुनाव, तो सारा विमर्श ये होता है कि विधानसभा चुनाव का लोकसभा में कोई असर नहीं पड़ता। 2018 में देखिए कांग्रेस जीती थी, 19 में जो है हार गई, और 2003 में बीजेपी जीती थी, 2004 में हार गई। तब ये माहौल बंदी, जो हमारे शबी साहब ने शब्द दिया, मैं उसका इस्तेमाल अक्सर करता हूँ, तब माहौल बंदी ये होती कि अब जब बीजेपी जीत गई तो हर आदमी कह रहा 24 में बीजेपी जीत रही है, भाई ये क्या बात हुई। तो कांग्रेस जीतती तो कोई असर नहीं पड़ता लोकसभा चुनाव में, अब बीजेपी जीतती तो असर पड़ जाएगा, मतलब तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात हुई। मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस जीतती तो उसका मनोबल बढ़ता, उसका टेम्पो बनता, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता, उसके नेताओं का हौसला बढ़ता। बीजेपी जीतती है तो उसका हौसला बढ़ा है, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उसके पक्ष में माहौल बना है, इतना असर पड़ता है। वोट अलग अलग तरीके से हर चुनाव में होता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने। अब जो है, जो जीतता है वो अपने पक्ष में माहौल बनाता है, जो हारता है वो उससे सबक लेता है। इस हारने से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को सबक भी दिया है, और सबक ये दिया है कि शुरुआती तनातनी के बाद अब सारे नेताओं के मुंह बंद हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा, प्रवक्ता भी नहीं बोल रहे, और कल बैठक हो रही है संसद में, पूरी तरह से एकजुट है इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल, निलंबन में भी उनकी सबकी भागीदारी एक साथ है। और इसलिए तो अब कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 3-4 सीट शेयरिंग का मामला है, संयोजक का मसला है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का है, आगे साझा प्रचार है। मुझे लगता है इस हार ने उनको सबको व्यवहारिक रूप से सोचने को मजबूर कर दिया है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो भले माहौल उसके पक्ष में बनता, लेकिन उससे रुख अड़ियल होता, वो बहुत हठवालता की शिकार होती। अब जो गठबंधन, जो घटक दल है, उनके साथ कांग्रेस की साझेदारी थोड़ी व्यवहारिक तरीके से हो जाएगी, एक तो ये इसका है। और जहां तक उम्मीद की बात है, तो अगर सीट शेयरिंग में 1-on-1 हो जाता है 350-400 सीटों पर, तो चुनाव दिलचस्प होगा, मुकाबले का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी विनोद जी, सीटों के बंटवारे में थोड़ी देर बाद आते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को है कि क्या अब हम लोग आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं क्या? जो जिस तरीके से, ये नहीं कि चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, वो किसी के एक हाथ में नहीं होता, वो बहुत सारी स्थितियां होती जिसकी वजह से आदमी चुनाव हारता है, चुनाव जीतता है। प्रश्न इस बात को लेकर ये, पिछले 3 महीने में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की, इमैच्योरिटी का प्रदर्शन किया, क्या वो उचित था? क्या वो होना चाहिए था? क्या इन 3 महीनों के अंदर विपक्षी एकता का प्रदर्शन अच्छे तरीके से करते तो हार जीत के बावजूद भी एक माहौल बनता? अब ये हुआ कि 3 महीने आपने कोई कार्रवाई ही नहीं की, एक दूसरे छींटाकशी कर रहे थे, ये जो परसेप्शन बन रहा है, इससे क्या डैमेज नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन? आशुतोष जी, गठबंधन की राजनीति में ये पहली बार हो रहा है क्या? 1989 में देवीलाल अजीत सिंह बैठने को तैयार नहीं थे साथ, चंद्रशेखर वीपी सिंह साथ बैठने को तैयार नहीं थे, एनटीआर और करुणानिधि साथ बैठने को तैयार नहीं थे। और आपको बताऊं, चुनाव चल रहा था लोकसभा का, और मथुरा की जनसभा में वीपी सिंह बीजेपी के झंडे देख के सभा छोड़ के चले गए थे कि मुझे इनके साथ डायस शेयर नहीं करना। ये तो अभी 3 महीने पहले की आप बात बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल चुनाव के दौरान बात बता रहा हूँ मतभेद की। यही हाल 1996 में भी हुआ था, जब ये यूनाइटेड फ्रंट बना था, उसके बाद नेशनल फ्रंट बना था। तो गठबंधन की राजनीति में ऐसा ही होता है। और आप क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है क्या? अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे या पारस पशुपति पारस लड़ेंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि ओम प्रकाश राजभर कितनी सीटें मिलेंगी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है
कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कितनी सीटें दी जाएंगी, ये ठीक है वहां चीजें हल हो जाएंगी मैं मानता हूं, क्योंकि वहां एक दबदबा है भारतीय जनता पार्टी का उनका सबका, लेकिन इस तरह की चीजें हमेशा रहती हैं, हर गठबंधन की राजनीति में रहती हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपदा में अवसर दिया तक बात है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए, हम सब उनके अनुयायी हैं, देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो आपदा में अवसर विपक्ष भी तलाश रहा है, सब तलाश रहे हैं। तो वो तो देखिए हर चीज की का एक प्लस माइनस होता है, माइनस ये है कि चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, उसके पक्ष में बड़ा माहौल बनता, लेकिन प्लस ये है कि कांग्रेस का अहंकार भी टूटा है, जो धरती पर बैठ के फैसला करेंगे, तो ये उसका प्लस है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैदान छोड़ देना, विपक्ष को भी मैदान नहीं छोड़ देना चाहिए। अब योगेंद्र यादव जी तो हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा उत्साही है, वो तो 22-23 सीटें दिला रहे हैं तीनों राज्यों में, वो कह रहे हैं जिस तरह की वोट परसेंटेज है उस हिसाब से, खैर उनका आंकड़ा गणित अलग है, लेकिन मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को अब ज्यादा जिम्मेदारी का परिचय देना होगा, क्योंकि उनको अपनी विश्वसनीयता बनानी है, और विश्वसनीयता चुनाव खाली लड़ने की नहीं है, चुनाव के बाद एकजुट रहने की बड़ी चुनौती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।